हाय गाइस, आई एम वर्षा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ फ्लिपकार्ट कुर्तीज आफ्टर वॉश रिव्यू। सारी कुर्तीज जो है मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस की है एंड उसे मैं आफ्टर वॉश करने के बाद में उसका रिव्यू आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि कुर्तीज ऑनलाइन कुर्तीज परचेस करने के बाद में वह ख़राब हो जाती है 1 या 2 वॉश में। इसीलिए मैं यहाँ वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था कि जब हम कुर्ती परचेस करते हैं ऑनलाइन में तो कुछ दिनों बाद वह ख़राब हो जाती होंगी वॉश करने के बाद में। ख़ास करके प्रिंटेड कुर्तियाँ ख़राब हो जाती है वॉश करने के बाद में, ऐसा मुझे लगता था। बट इसीलिए मैं आप लोगों के साथ में इसके रिव्यू शेयर कर रही हूँ। कुछ नहीं, सारी कुर्तीज़ मैंने प्रिंटेड ही ली है जिसका मैं रिव्यू शेयर कर रही हूँ। एंड जितनी भी सारी कुर्ती है, सारी की सारी कुर्ती 4 to 5 टाइम्स नहीं, 7 to 8 टाइम्स मैंने वॉश किया है। 1 या 2 टाइम कोई भी कुर्ती नहीं है, 7 to 8 टाइम मैंने वॉश किया है, क्योंकि यह जो कुर्ती है मैं इसे 4 to 5 मंथ से कंटिन्यूसली डेली वियर में यूज़ कर रही हूँ। इसीलिए क्योंकि मैं जो डेली वियर में कुर्ती ही ज़्यादा प्रीफर करती हूँ वियर करना, इसीलिए सारी कुर्तीस ऐसी है जो मैंने बहुत बार वॉश कर लिया है। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि कैसी ये कुर्ती है। देखिए, ये सारी प्रिंटेड कुर्ती है जिसको कि मैंने वॉश कर लिया है 5 to 6 टाइम। एंड बहुत लोगों को यह भी लगता है कि प्रेस करने के बाद में कुर्तियाँ जो है ख़राब हो जाती है, बट प्रेस से भी नहीं होती। मैं इसमें ये भी आपको बताऊंगी कि कुछ कौन सी कुर्ती ख़राब हुई है वॉश करने के बाद एंड कौन सी कुर्ती ख़राब हुई है प्रेस करने के बाद में। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो एंड आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हो, मेरे कलेक्शन अच्छे लग रहे हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए एंड ऐसे ही आने वाले वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट कुर्ती की तरफ। सो गाइस, ये मेरी फर्स्ट कुर्ती है जो कि प्रिंटेड कुर्ती है एंड ये जो है वारंग ब्रांड से है। इसे मैंने एम साइज़ में परचेस किया था एंड कितनी अच्छी कुर्ती है आप इसे देख सकते हो अभी भी। वॉश करने के बाद भी इसका बिल्कुल भी प्रिंट नहीं निकला है, आप देख सकते हो। इसे भी मैंने 6 to 7 टाइम्स, समझ लो कि मैंने वॉश किया है, बहुत बार वॉश किया है, मैं पहन चुकी हूँ, बट इसके प्रिंट बिल्कुल भी नहीं निकले हैं। एंड इसमें स्लीव्स में इस तरह की प्रिंट दी गई थी जो थोड़ी सी डल हुई है, मुझे लग रहा है कि थोड़ी डल हुई है ये, बट निकली नहीं है अभी तक के। प्रिंट बहुत अच्छा है इसका। बस ये कुर्ती में एक प्रॉब्लम हुई है, मतलब प्रॉब्लम नहीं बोल सकते उसे, जब मैंने इसे प्रेस किया था एंड बहुत ज़्यादा गर्म प्रेस था तो जो फ्रंट के जो प्रिंट है ये वाले, ये बैक साइड में थोड़े से उमट गए हैं, उभर गए हैं, आप देख सकते हो इसे इस तरह से, थोड़ा सा हल्का सा इसमें आ गया है, लेकिन पहनने पर अभी भी ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। वारंग ब्रांड से है, इसे मैंने अंडर 400 रुपीज़ में परचेस किया था। अगर आपको यह कुर्तीस अच्छी लग रही हो तो आप इसे ज़रूर बाय कर सकते हो, मैं प्रोडक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड अगर आप इसे सच में परचेस करना चाहते हो तो बहुत अच्छी कुर्ती है, इसका मैंने रिव्यू शेयर किया हुआ है, वो वीडियो मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छी कुर्ती है। एंड इसमें जो यहाँ पर जो ये दिए गए हैं बटन्स वगैरह, बहुत सी कुर्ती ऐसी होती है जिसे कि वॉश करने के बाद में उसमें के बटन्स निकल जाते हैं, लेकिन ये जो कुर्ती है इसके बटन्स बिल्कुल भी नहीं निकले हैं इतना वॉश करने के बाद। रियली मैंने इसे 6 to 7 टाइम वॉश किया है, बहुत वॉश किया है, क्योंकि मैंने इसे पहन भी लिया है एंड 1 टाइम पहनने के बाद मैं 2nd टाइम नहीं पहनती हूँ, उसे वॉश करने के बाद ही मैं वियर करती हूँ, इसीलिए मुझे बार बार वॉश करना पड़ता है कुर्ती को। सो इसका जो वारंग कुर्ती, वारंग ब्रांड की जो कुर्ती है, इसका फीडबैक मुझे बहुत अच्छा मिला है। सो चलिए चलते हैं सेकेंड कुर्ती की तरफ। एंड गाइज, ये है मेरी सेकेंड कुर्ती, आप देख सकते हो, जो कि लिबास ब्रांड से है। इसे भी मैंने 4 to 5 टाइम्स वॉश किया है, क्योंकि इसे भी मैंने बहुत ज़्यादा पहना है, 4 to 5 नहीं, ज़्यादा ही वॉश किए, सारी कुर्ती जो है बहुत ज़्यादा टाइम वॉश किया है, क्योंकि सारी कुर्ती मैंने बहुत बार पहन चुकी हूँ। एंड यह लिबास ब्रांड से है, आप देख सकते हो इसका प्रिंट कितना अच्छा है, एंड इसका भी जो है प्रिंट बिल्कुल भी नहीं निकला है, बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल भी नहीं निकला है। मुझे लग रहा था कि इसके प्रिंट निकल जाएंगे वॉश करने के बाद, और बिल्कुल नहीं निकले हैं, एंड प्रेस लगाने के बाद भी यह बिल्कुल डल नहीं हुए हैं।
बहुत ब्यूटीफुल सा कुर्ता है यह, एंड अंडर 400 रुपीज़ में ही मैंने इसे परचेज़ किया है। सो मुझे यह भी कुर्ता जो है बहुत अच्छा लगा। आप देख सकते हो पूरा फुल प्रिंटेड कुर्ता है, बट बिल्कुल भी इसका जो प्रिंट है डल नहीं हुआ है। मैं आपको क्लोज से दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी डल नहीं हुआ है, जो कि मुझे इस कुर्ते की क्वालिटी बहुत अच्छी लगी। कॉटन का कुर्ता है यहाँ, लेकिन बिल्कुल भी डल नहीं हुआ है इसका प्रिंट। सो यह भी इसका भी जो फीडबैक है मुझे बहुत अच्छा मिला। क्लॉथ वाइज बहुत अच्छा है, एंड ऐसे कुर्ते लगता है कि 1-2 टाइम बाद निकल जाएंगे प्रिंट, बट नहीं निकला है इसका। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने इसे धुला है, ये मेरी मेड ने धुला है। अब आप लोग जानते हो कि मेड कितने रफली धोती है, उसके बावजूद भी प्रिंट नहीं निकले हैं। बस कुछ प्रिंट है जो डल हो गए हैं थोड़े बहुत, मैं आपको दिखा देती हूँ। आप देख सकते हो, पता नहीं वीडियो में दिख रहा है या नहीं, ये जो कुछ प्रिंट है ये थोड़े डल हो गए हैं, एकदम लाइट पड़ गए हैं, बाकी सारे प्रिंट ख़राब नहीं हुए हैं। सो यह भी कुर्ता मुझे अच्छा लगा है, वियर करने पर भी ये बहुत अच्छा लगता है, एंड इसके प्रिंट बिल्कुल भी नहीं निकले हैं। सो गाइस, बढ़ते हैं थर्ड कुर्ते की तरफ। एंड थर्ड कुर्ता है ये ऑरेलिया ब्रांड से, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। इस टाइप के कुर्ते मैंने खुद देखा है। सो यह जो कुर्ता है, मुझे सारे कुर्तों में यह जो कुर्ता है बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसे मैंने सबसे ज़्यादा वॉश किया है एंड सबसे ज़्यादा वियर किया है। यह कुर्ता सच में बहुत ही अच्छा है, ऑरेलिया ब्रांड से है, एंड अंडर 400 रुपीज़ में मैंने इसे परचेज़ किया था। आप देख सकते हो कि इसके प्रिंट कितने अच्छे हैं, एकदम ब्यूटीफुल से प्रिंट है इसमें। इसके प्रिंट बिल्कुल भी नहीं निकले हैं, ना ही डल हुए हैं। मुझे यह कुर्ता जो है बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मिला था। सारे कुर्ते अंडर 400 रुपीज़ है, बट सारे कुर्तों में ये कुर्ता इसीलिए भी अच्छा लगता है, क्योंकि सारे कुर्ते को एक बार वॉश करने के बाद थोड़ा प्रेस करना ही पड़ता है, प्रेस लगाना ही पड़ता है, बट यह कुर्ता आफ्टर वॉश भी बिल्कुल भी वैसा सिकुड़ता नहीं है, बहुत अच्छा रहता है। विदाउट प्रेस से भी हम इसे वियर कर सकते हैं। सो यह भी कुर्ता जो है बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है। यह फ्रंट साइड एंड बैक साइड से भी इसका जो मटेरियल है, यह पॉलीकॉटन मटेरियल है। पॉलीकॉटन वाले जो फैब्रिक होते हैं वह ख़राब हो जाते हैं कुछ टाइम बाद, बट इसका फैब्रिक नहीं ख़राब हुआ है, थोड़े डल हो जाते हैं। चमक चली जाती है, इसकी भी चमक चली गई है थोड़ी सी, जो शाइनिंग होती है वह चली गई है, लेकिन फिर भी बहुत शाइनिंग है इसमें इस कंपेयर बाकी कुर्तों के कंपेयर में। एंड जो मेरा लास्ट कुर्ता जो कि ख़राब हो गया 3 या 4 टाइम वॉश करने के बाद ही ख़राब हो गया, ऐसा कुर्ता मैं आपको बताऊँगी। सो यह है, ये मेरा फेवरेट कुर्ता भी था जब मैंने इसे परचेज़ की थी, मुझे बहुत पसंद आया था एंड मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत फेवरेट कुर्ता है यह मेरा। एंड यह भी ऑरेलिया ब्रांड से ही है, बट ये जो है वॉश करने के बाद में ख़राब हो गया, मतलब 2-3 वॉश में कुछ भी नहीं हुआ, बट फोर्थ या फिफ्थ टाइम मैं इसे धुल रही थी तब यह ख़राब हो गया। आप देख सकते हो, ये देखिए इसका प्रिंट, पता नहीं दिख रहा है, ये देखिए इसका प्रिंट जो है इस तरह से ख़राब हो गया है। अब पता नहीं मैड ने इसे ब्रश लगाई थी या क्या, बट यहाँ का जो प्रिंट है पूरा ख़राब हो गया है। सो यह जो कुर्ता है इसका, ये मुझे बहुत ही बेकार लगा, मतलब बहुत अच्छा लगा था, लेकिन वॉश करते ही इस तरह के जब कुर्ते ख़राब हो जाते तो अच्छा नहीं लगता, तो यह ख़राब हो गया है। एंड इस कुर्ते का एक और डिसएडवांटेज ये है कि इसे जब हम वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद बिल्कुल भी पहनने लायक नहीं रहता। जब हम इसे प्रेस करते हैं उसके बाद ही पहन सकते हैं, अगर हम प्रेस नहीं करते हैं तो यह बिल्कुल ऐसी चुनट चुनट आ जाती है, इसमें पूरा सिकुड़ जाता है यह। सो यह कुर्ता तो मेरे काम का नहीं रहा, क्योंकि यह ख़राब हो गया है। आप देख सकते हो इस तरह से यह ख़राब हो गया है, इसलिए मैं इसे अब नहीं पहनती हूँ। जो इसका मटेरियल है, इसका भी मटेरियल था पॉलीकॉटन मटेरियल, जो है इसका बहुत अच्छा है, अभी भी अच्छा है, बस वही कि प्रिंट ख़राब हो जाते हैं तो हम कपड़े नहीं पहन पाते। सो ये रहे मेरे प्रिंटेड कुर्तीज़ के रिव्यू। आपको यह कुर्तीज़ कैसी लगी, अगर आपको पसंद आई हो एंड अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो, तो जो वीडियो में मैंने ये कुर्तीज़ के प्रोडक्ट लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेकआउट कर लीजिएगा। सो चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।